यू हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस आज हम तीन काम करने वाले, एक तो भाई अपन अपना गोल्ड फार्म बनाने वाले हैं और एक भाई अपन अपना एक शुगर केन फार्म बनाने वाले हैं जो कि ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है क्योंकि भाई शुगर केन इतना यूज में नहीं आता। और एक अपन अपने आयरन फार्म को रिपेयर करने वाले, वो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो गाइस एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले भाई अपन अपना शुगर केन फार्म बनाते हैं क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होने वाला क्योंकि भाई वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो गाइस पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाई एरिया डिक कर लेता हूँ ताकि भाई इसमें पानी डाल के अपन शुगर केन ग्रो कर पाए। तो जल्दी से मैं एरिया डिक करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अब यहाँ पर मैंने नीचे का एरिया डिक कर लिया और उसमें पानी भी डाल दिया। अब ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जल्दी से और उसमें भी भाई यही सेम स्टेप फॉलो कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म बना के शुगर केन भी ग्रो कर लिए, बस मैं भाई बार बार पानी में गिर जा रहा था। तो इससे अच्छा भाई अपन इन पानी के ऊपर स्लैब लगा देते हैं ताकि भाई ये अपने को बार बार दिक्कत ना हो। तो जल्दी से मैं ये सारी स्लैब लगा देता हूँ यहाँ पर। इस थोड़ी बहुत लाइट्स भी लगा देते हैं, रूम लाइट जो कि पिछली वीडियो में बची हुई थी अपनी। और फिर इसके बाद भाई इसको अपन कवर भी कर देते हैं, थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं इस पूरे फार्म को। तो भाई यहाँ पर अपन ने अपना पूरा शुगर केन फार्म भी कंप्लीट कर लिया है, बस मैंने इसको ऊपर से कवर नहीं करा है क्योंकि भाई अपन इसको बाद में एक्सपेंड भी करने वाले हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और गाइस अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले फार्म की तरफ जो कि होने वाला भाई अपना ट्रिपल गोल्ड फार्म, जिसके लिए भाई अपने को चाहिए 2 स्टैक से ज्यादा ऑब्सीडियन। तो यहाँ पर अब आ चुके हैं अपनी माइन पे, अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्सीडियन उठा लेते हैं। तो भाई यहाँ पर फाइनली अपने सारे ऑब्सीडियन हो चुके हैं कलेक्ट। अब अपन ऊपर चल के अपना बाकी सामान कलेक्ट करके अपना फार्म भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई अपन को यहाँ से 3 ब्लॉक ऊपर आना है, फिर इसके ऊपर अपने को एक ऑब्सीडियन लगाना है और फिर भाई अपने को यहाँ पर 9 ब्लॉक आगे आना है, मतलब कि 10x10 का एक अपने को नेदर पोर्टल बनाना है। तो जल्दी से भाई मैं वो पूरा बना लेता हूँ। अब भाई इस पोर्टल के बनने के बाद भाई अपने को करना है इसको लाइट अप और फिर अब जाके इसको नीचे से तोड़ देना है। अब ऐसे ही कर करके भाई अपने को अपना एक पिगलिन स्पॉन कराना और देखना किस तरफ स्पॉन हो रहा है वो। गाइस यहाँ पर हो चुका है अपना पिगलिन स्पॉन। अब गाइस जिधर वो स्पॉन हुआ है उससे अपने को अपोजिट साइड पे, मतलब कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भाई अपने को एक मैकेनिज्म बनाना है। तो मैं जल्दी से भाई वो बना के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस उसको बनाने के लिए भाई यहाँ पर मैंने बना लिया एक 6x2 का प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर लग जाएंगे भाई अपने 3 ऑब्जर्वर कुछ इस तरह से, आपको बिल्कुल एकदम ऐसे ही लगाना है वरना भाई आपका ये फार्म काम नहीं करेगा। और फिर भाई इसके आगे अपना एक लगने वाला है भाई डिस्पेंसर। और गाइस इस डिस्पेंसर में जाने वाले भाई अपने वाटर बकेट, क्योंकि भाई ये पानी से पोर्टल भाई टूट जाता है। तो भाई अपने को ऐसा ही मैकेनिज्म बनाना है कि पोर्टल बार बार टूटे और फिर लाइट अप हो। तो भाई यहाँ पर अब ये पोर्टल टूटने तो लग गया, लेकिन बस अब इसको लाइट अप करना है। तो भाई उससे पहले अपने को इसके साइड में भाई 2 ब्लॉक ऊपर की यहाँ पर बाउंड्री बनानी है। और बाउंड्री बन जाने के बाद भाई अपने को यहाँ पर लगाने ट्रैप डोर। यहाँ पर भाई मैंने 3 ब्लॉक का गैप छोड़ दिया था क्योंकि भाई इसमें ही लगने वाले थे अपने ट्रैप डोर। अब ट्रैप डोर इसलिए लगाए ताकि भाई लावा बाहर नहीं आ जाए यहाँ से। अब जल्दी से यहाँ पर अपन 3 बकेट लावा डाल लेते हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना पोर्टल हो चुका है लाइट अप, लावा डालते भाई। अब अपने को बस यहाँ ऐसे ही 2 पोर्टल और बनाने हैं क्योंकि भाई इसको अपने को भाई 3 गुना काम करवाना है नॉर्मल से। तो अब अपन जल्दी से भाई अब वो दोनों पोर्टल भी बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर बन चुके अपने 3 पोर्टल, बस अब एक कलेक्टिंग सिस्टम बनाना बाकी है। तो अब मैं चारों तरफ इसके बोल बना लेता हूँ और फिर यहाँ पर एक कलेक्टिंग सिस्टम बना लेता हूँ जल्दी से। अब गाइस अपने को यहाँ पर पानी डालना है, कुछ इस तरह से डालना है कि भाई पानी बीच में इन 4 ब्लॉक पे आके रुक जाए। तो मैं जल्दी से पानी डाल लेता हूँ। अब गाइस आपको जो 4 ब्लॉक दिख रहे हैं भाई अपने को उसको 20 ब्लॉक डिग डाउन करना है। तो जल्दी से मैं उनको 20 ब्लॉक डिग डाउन कर लेता हूँ नीचे तक। और गाइस यहाँ पर लगने वाले हैं अपने होपर्स और होपर के ऊपर अपने लगने वाली स्लैब, क्योंकि भाई वो छोटे वाले जो ज़ॉम्बीज है मतलब वो पिगलिन है वो बाहर निकल के आ जाते। यहाँ पर लगने वाली भाई अपनी 4 चेस्ट। भाई अपन उन 3 डिस्पेंसर में वाटर बकेट भी डाल देते हैं। और गाइस यहाँ पर फाइनली अपना हो चुका है गोल्ड फार्म कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पर कर लिया मैंने 5 मिनट AFK। अब जल्दी से नीचे चल के देखते हैं कि कितने सारे पिगलिन स्पॉन हुए हैं। और कुछ यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं भाई कितने सारे पिगलिन स्पॉन हो चुके हैं। अगर भाई आपको इस भाई विश्वास नहीं है तो भाई आप खुद बना के देख सकते हैं इस फार्म को कि भाई इतना फास्ट काम करता है कि भाई आप एक बार तो भाई मैं भी शौक हो गया था कि इतने सारे पिगलिन कैसे स्पॉन हुए हैं। अब भाई मैं जल्दी से अपनी टिकट प्रिपेयर कर लेता हूँ और फिर थोड़ी सी एक्सपी भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस अब देखते हैं भाई कितना सारा गोल्ड मिला है। और भाई इसमें चेस्ट में तो कुछ ज़्यादा खास गोल्ड नहीं आया है और भाई इसमें भी इतना गोल्ड नहीं आया है।
मतलब भाई गोल्ड फार्म कम है, एक्सपी फार्म ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो भाई अब एक काम करते भाई, अपन अपना स्टोरेज सिस्टम भी बढ़ाएंगे, लेकिन भाई उससे पहले अपन अपना आयरन फार्म रिपेयर कर लेते हैं। तो भाई आयरन फार्म को रिपेयर करने के लिए भाई बस एक ही ट्रिक है कि भाई बीच वाले आयरन फार्म को अपने को हटाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इस पूरे बीच वाले फार्म को क्लियर कर लेता हूँ। और गाइस मैं इस फार्म के अंदर आया तो भाई इसके अंदर तो विलेजर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए सारे। मैंने तो भाई उनको कुछ करा भी नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, अब अपने कौन विलेजर हो, करना भी क्या था। अब जल्दी से भाई ये पूरा फार्म क्लियर कर लेते हैं बीच में से, और फिर देखते हैं आयरन फार्म वर्क करता है क्या नहीं। गाइस ये फार्म तो क्लियर करने से पहले वर्क करना स्टार्ट हो गया, मतलब भाई वो विलेजर में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन भाई फिर भी मैं इस फार्म को क्लियर तो करूंगा। तो भाई मैं जल्दी से इस पूरे फार्म को क्लियर कर लेता हूं। तो भाई यहां पर मैं मेरा आयरन फार्म रिपेयर करके आ चुका हूं अपने गोल्ड फार्म पे। अब भाई यहां पर थोड़ा सा इसका स्टोरेज सिस्टम एक्सपांड कर देते हैं। तो भाई यहां पर सबसे पहले जाएगी एक चेस्ट, और फिर इसके पीछे जाके भाई आपका जाने वाला अपना एक और ऊपर, और एक और ऊपर के पीछे भाई और भी ऊपर, क्योंकि भाई पीछे डबल चेस्ट है। अब यहाँ पर भाई एक और चेस्ट लगने वाली है कुछ इस तरह से, और ऐसे भाई अपने को इस पूरे स्टोरेज सिस्टम को एक्सपांड कर लेना है। तो भाई अब अपन बनाने वाले ऑटो स्मेल्टर, और भाई इस ऑटो स्मेल्टर में लगने वाला है ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि भाई ब्लास्ट फर्नेस सोर्ड से मतलब कि कोई भी गोल्ड की टूल होती है उससे भाई आयरन मतलब कि गोल्ड लंगेट निकाल के दे देता अपने को। और ऑटो स्मेल्टर के लिए भाई आप देख लो कुछ इस तरह से बनाना है। और इस चेस्ट में जाने वाला अपना कोल, और इसके ऊपर एक और चेस्ट लगेगी जिसमें भाई अपना जाने वाला है जो भी आइटम अपने को स्मेल्ट करना है, और नीचे भाई वो आइटम आ जाएगा स्मेल्ट होके। तो बहुत ईजी ऑटो स्मेल्टर है। तो भाई एक बार ये बना लेता हूँ, और फिर मैं ऐसे चार और बनाने वाला हूँ, मतलब टोटल पाँच हो जाएंगे। अब भाई यहाँ पर अपने पाँचों ऑटो स्मेल्टर बन चुके हैं, बस एक बार भाई इनकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। देखो मैं सब में यहाँ पर सोर डाल लेता हूँ, और फिर पता चलेगा भाई ये काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अपना गोल्ड नगेट आ चुका है, और इसमें भाई स्मेल्टिंग भी स्टार्ट हो गई, ख़त्म भी हो चुकी है। गाइस यहाँ पर अपने पास बहुत ज़्यादा एक्सपी हो चुकी है भाई, इसलिए मैं अपने भाई यहाँ पर टूल्स एनचेंट कर रहा हूँ। तो भाई जल्दी से मैं सारी टूल्स को एनचेंट कर लेता हूँ, और फिर दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या एनचेंटमेंट मिली है। तो गाइस यहाँ पर अपने को हेलमेट पर मिली है एक्वेफेंसी 1 और फायर प्रोटेक्शन 2, और अपनी चेस्ट प्लेट पर मिली है प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3, और लेगिंग्स पर अपने को मिली है सिर्फ फायर प्रोटेक्शन 2, और बूट्स पे अपने को मिली है भाई प्रोटेक्शन 3। गाइस यहाँ पर मैं एक बार अपने आयरन फार्म को चेक करने आया था, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये आयरन फार्म भी अब काम नहीं कर रहा है। भाई मेरे को तो लग रहा है भाई अपने को इसको भी हटाना पड़ेगा। तो गाइस अब तो भाई कर भी क्या सकते हैं, तो भाई जल्दी से मैं इस पूरे फार्म को हटा लेता हूँ, और फिर देखता हूँ वो वाला फार्म काम कर रहा है या फिर नहीं। तो भाई यहाँ पर मैंने फाइनली पूरा आयरन फार्म कर दिया क्लियर। वैसे अभी एक फार्म बज रहा है भैया, जल्दी से इसमें जाके देखता है कि भाई ये भी काम कर रहा है या फिर नहीं। और गाइस मैं 10 मिनट का एफ के करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि भाई ये फार्म काम करेगा क्या नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं भाई अपने को 60 आयरन मिल चुका है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर इस सर्वाइवल सीरीज के और भी पार्ट देखने तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और गाइस इस वीडियो में एक क्रीपर फार्म भी बनाने वाला था, लेकिन भाई मैंने कम से कम ना तो 5 या 6 क्रीपर फार्म ट्राई करे थे क्रिएटिव वर्ल्ड में, और लेकिन भाई वो काम ही नहीं करे। अगर आपको कोई क्रीपर फार्म पता है जो कि 1.19 में पॉकेट एडिशन में वर्क करता है, तो प्लीज़ मेरे को उसकी लिंक दे देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।